मध्य प्रदेश खाद्य आयोग ने उज्जैन जिले की सार्वजनिक राशन की दुकानों का निरीक्षण किया ताकि गरीब उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी का निःशुल्क राशन समय पर उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने उज्जैन जिले की सरकारी राशन दुकानों का दौरा किया है। ग्राम डेंडिया, करोहन, पंत पीपलाई आदि दुकानों पर जाकर उपभोक्ताओं से चर्चा की। खंडेलवाल ने उपभोक्ताओं से राशन की उपलब्धता क्वालिटी की जानकारी ली। साथ ही दुकान संचालक को निर्देश दिए कि निःशुल्क राशन दिए जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। जिला आपूर्ति अधिकारी ML मारू व नारायण सिंह मोबाइल दौरे में साथ थे। मध्य प्रदेश सरकार ने चार प्रकार के रोड किए थे, ये सब अभी लगाए। इसके बाद वे वेयरहाउस कॉरपोरेशन के चिमनगंज मंडी के प्रदाय केंद्र पर पहुंचे, उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी को चेक किया। ये तो पुराना इशू चल रहा है ना सर, ये तो बहुत बोरे देखो, अपना भी कट रहा है। अब वेक में ऐसे ही आ रहे हैं, बहुत बारदान की बहुत कंप्लेन है सर, बहुत हल्के है। चावल कैसे एक एक स्टेक में से कहीं से भी जिगजैग में पूरा, मैंने पुराने आदमी कैसे लेना चाहिए। सिंगल यूज वाले आते हैं सर, इसमें नए वारदाने नहीं देते। लेकिन पिछली तो ठीक था यार, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो आप कितनी हालत खराब है, ये कहाँ का है ये चावल? ये वाली सीट तोड़ लो और ले लो, एक तो पुरानी हो तो वो भी तोड़ना। तो मुंडेश्वरी राइस मिल ग्राम रिगला सतना सतना ले लो यार, लिखा पड़ी करेंगे, बोरा तो खराब आ रहा है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि दौरे में साथ रहे अधिकारियों को राशन दुकानों को अनाज सप्लाई होने के पहले सैंपल चेक करने के निर्देश दिए हैं। केवल साफ और अच्छे खाने योग्य अनाज ही सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। ऊपर के जी जी, आपका टेम्परेचर मेंटेन COVID-19 के अब इस घटते क्रम में सारी व्यवस्थाएं फिर से सुचारू संपादित हों, इसलिए राज्य खाद्य आयोग की ओर से आज मैंने उज्जैन नगर में और उसके आसपास के सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हितग्राही मूलक चलाई जा रही हैं उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण, फीडबैक, पब्लिक के बीच में उसका प्रतिसाद क्या है, लोगों को सरकार की भावना के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आज मैंने भ्रमण किया है। ग्राम करोहन, मेंडिया, उज्जैन शहर की भी कई दुकानों को मैंने देखा है। सामान्यतया आम लोगों को, हितग्राहियों को, उनकी जो पात्रता है उसके अनुकूल खाद्यान्न मिल रहा है। नमक का जरूर इश्यू है कि नमक चूँकि सप्लाई नहीं आया था इसलिए अगर 2 माह से उन लोगों को नहीं मिल पाया है, किंतु वर्तमान में नमक का पर्याप्त स्टॉक उज्जैन जिले में आ चुका है और सप्लाई भी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है, वो भी